जहाज ने जल समाधि ले ली थी, जिसमें अरबों पाउंड का खजाना डूबने की बात कही गई थी। इतने साल बीतने के बाद भी अभी तक इस जहाज के मलबे तक कोई नहीं पहुंच पाया। अब ब्रिटेन की कंपनी फिर से इस खजाने को ढूंढने में जुट गई है। ये रिपोर्ट देखिए। समंदर में सबसे बड़ा खजाना, डूबे जहाज की तलाश शुरू। धरती के 70% हिस्से में समंदर मौजूद है। जितनी गहराई समंदर की है, उतने ही गहरे और गूढ़ रहस्य इसके अंदर छिपे हुए हैं। समंदर की गहराई से इसके राज बाहर लाने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध करते रहे हैं। अब समंदर की दुनिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। समंदर के गर्भ में अरबों पाउंड का सोना दबा हुआ है, जिसकी खोज का काम शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि जब ये जहाज डूबा था, उस वक्त उसमें इतना सोना था जिसकी कीमत आज की तारीख में 4 बिलियन पाउंड तक हो सकती है। भारतीय रुपयों में बात करें तो ये 42,215 करोड़ रुपए हैं। आज से 382 साल पहले समंदर में एक घटना घटी थी जिसको पूरी दुनिया एक बार फिर से याद कर रही है। 382 साल पहले अटलांटिक महासागर से एक जहाज गुजर रहा था जो सोने से लदा हुआ था, लेकिन अचानक कॉर्नवॉल तट के पास एक घटना घट गई। खराब मौसम था, समंदर की लहरें उफान मार रही थी जिससे जहाज भी हिचकोले खाने लगा। इसकी वजह से जहाज के कैप्टन ने भी अपना नियंत्रण खो दिया और जहाज धीरे धीरे पानी में समाने लगा और आखिर में वो समंदर की गहराई में डूब गया। इस घटना के बाद से ही उसका कोई अता पता नहीं चल पाया और आज तक वो जहाज वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। मर्चेंट रॉयल जहाज साल 1641 में भयंकर मौसम की वजह से कॉर्नवॉल के तट पर डूब गया। तब से इसे तलाशने के लिए कई देशों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जिस जगह इस जहाज का मलबा होता होगा वहां तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। हालांकि आज से 5 साल पहले मर्चेंट रॉयल जहाज के बारे में कुछ ऐसा पता लगा जिसके बाद लगने लगा था कि अब इसे ढूंढने में कामयाबी मिल जाएगी। साल 2019 में जहाज के ऊपरी हिस्से का मलबा मिल गया था, लेकिन निचले हिस्से की खोज खबर नहीं मिल पाई। मर्चेंट रॉयल जहाज, जिसे विशाल खजाने की वजह से एल डोरेडो ऑफ द सीज का नाम भी दिया गया था, ये जहाज 23 सितंबर 1641 को डार्ट माउंट से गुजर रहा था, तभी यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डूबने से पहले जहाज मरम्मत के लिए कैडिस के स्पेनिश बंदरगाह में रुका था। मेक्सिको और कैरेबियन से अपनी वापसी यात्रा के लिए माल लोड किया गया था। कई सदियां बीत जाने के बाद एक बार फिर से इसकी पड़ताल शुरू की जा रही है। ब्रिटेन की एक कंपनी का दावा है कि वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जहाज के मलबे का पता लगा सकती है। इस जहाज को ढूंढने के लिए कंपनी 200 वर्ग मील क्षेत्र के अंदर खोज करेगी। इस खोज में अंडर वाटर वेसल और सोनार टेक्नोलॉजी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक समंदर में हजारों जहाजों के टुकड़े हैं और मर्चेंट रॉयल भी उन्हीं में से एक है। कंपनी का कहना है कि 2024 का पूरा साल शिप को ढूंढने में लगाया जाएगा। समंदर में हजारों टन मलबे में से रॉयल जहाज का मलबा ढूंढने का काम काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जितना मलबा समंदर से निकलेगा उसे निकालकर उसमें जहाज के मलबे की पहचान करनी होगी। समंदर में जहाजों के डूबने की कई घटनाएं हुई हैं। टाइटैनिक जहाज भी खराब मौसम की वजह से समंदर के आगोश में चला गया था। इस पर तो फिल्म भी बन चुकी है। मर्चेंट रॉयल जहाज के डूबने की कहानी भी ऐतिहासिक है। अब कंपनी अरबों पाउंड सोने की तलाश कर पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए